आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हो गए हैं हालात, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो बिहार, बंगाल और हिमाचल प्रदेश समेत इन राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है और रुक रुक कर बारिश जारी है, नदियां और नालों का जलस्तर भी यहां पर बढ़ गया है, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही यहां पर बारिश को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर येलो अलर्ट जारी कर रखा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कुछ इलाकों में हल्की, कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर आकाश में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 26 के आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं अगले 5 दिनों तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार और ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना है। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार, झारखंड, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और यरम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने MP के लिए भी चेतावनी जारी की है। MP के कई जिलों में बारिश का सितम जारी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में मानसूनी बारिश तेज हो सकती है और UP में भी यहां पर कल कुछ इलाकों में बारिश जो है जारी रही, आज यहां पर बारिश कम होने की संभावना है और 30 अगस्त तक एक दो स्थानों पर बौछारें देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार जताए गए हैं। बात अब राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मौसम अपडेट की, तो बिहार में अगले 48 घंटों में नॉनस्टॉप बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल बिहार में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वही राजधानी पटना समेत सभी इलाकों में मानसूनी बारिश जारी है, इस वजह से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि बिहार के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क जो चौड़ी नए नए यहाँ पर बने हाईब्रिड पुलों पर भी यहाँ पर घुटनों तक पानी यहाँ पर जमा हो गया। दरअसल मानसून ट्रफ लाइन जो है उसका पश्चिमी छोर जो है हिमालय की तलहटी पर बना हुआ है, जबकि इसके पूर्वी छोर जो है गोरखपुर, पटना, बंगाड़ू और दीघा से होते हुए दक्षिणी पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है। इस कारण जो है बिहार के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बिहार के बाद बात कर लेते हैं यूपी के मौसम अपडेट की, तो यूपी के कई इलाकों में पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का असर हो गया है, मौसम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी मौसम साफ है और हल्की फुल्की बादलवाई देखने को मिल रही है, तापमान में वृद्धि नजर आ रही है। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं के कारण जो है अभी जो है कुछ इलाकों में तापमान में वृद्धि होने के आसार है।